हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए हर वीडियोस में अब कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लेकर आऊँगा और उसकी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ कि जिसको अगर आप लेने की सोचते हैं तो दिमाग में इतने सारे कन्फ्यूजन्स आपको घेर लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए, कौन सी कंपनी का लिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन की। अगर आप एक अच्छा मोबाइल फ़ोन लेने की सोचते हैं तो सबसे पहले तो दिमाग आपका वहाँ जाता है बजट पे कि भाई 50, 40, 50, 60 हज़ार से कम में कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन आना ही नहीं है। जी नहीं दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। एक मिड रेंज में भी काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन आप ले सकते हैं। आज मैं ऐसे ही 3 मोबाइल फ़ोन आप लोगों के लिए लाया हूँ जो कि एक मिड रेंज में है और आप इनके जो फीचर्स देखेंगे वो अल्टीमेट फीचर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जो है मैंने 3 फ़ोन ऐसे निकाले हैं जो आप लोगों को जो है वैल्यू फॉर मनी है और प्राइस भी इनकी 10 to 13,000। जी फ्रेंड्स, आप सोचेंगे नहीं, इतने अच्छे फ़ोन केवल आपको जो है 13,000 के अंदर मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं उन तीनों जो है फ़ोनों का नाम आपको बताता हूँ। सबसे पहला फ़ोन तो मैंने जो है जो देखा आप लोगों के लिए वो Redmi Note 10। सेकंड जो मैंने आपके लोगों के लिए देखा है वो है Motorola Z30। और थर्ड जो सबसे अच्छा ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड है, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, सैमसंग का M31। जी दोस्तों, अच्छा ये तीनों फ़ोन जब मैंने सेलेक्ट किए तो मैं सोच रहा था कि नंबर वन पे मेरे को किसको रखना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स इतना कन्फ्यूज़न रहा मेरे को कि मैं खुद डिसाइड नहीं कर पाया कि मेरे को नंबर वन रैंक और नंबर टू नंबर थ्री किसको देना चाहिए। इसलिए मैं तीनों ही फ़ोनों को नंबर वन रैंक देता हूँ। अच्छा, इन तीनों फ़ोनों का भी मैं आपको अलग अलग तो डिस्क्रिप्शन नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट जो है नोटिस टाइप का मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनमें क्या क्या मैंने देखा जिसके लिए जो है आप इसको परचेस कर सकते हैं। सबसे पहला इसकी रैम 4GB रैम है। स्टोरेज, इनकी स्टोरेज तीनों ही फ़ोन में लगभग 64GB से ऊपर है। चौथा, इनका जो कैमरा जो है ऑसम कैमरा है, 48GB से ऊपर के कैमरे हैं इनके। और जो है चौथा आर्टिकल मेरे पास जो है इसका वो है बैटरी बैकअप। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली फ़ोनों में बैटरी की बड़ी शिकायत रहती है, लेकिन इन तीनों फ़ोनों में बैटरी शानदार है, 5000 mAh से ऊपर की बैटरी है। एक्चुअली मैं इन तीनों फ़ोनों को मैं अभी आपको जो है वीडियोस में अलग अलग डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इनके लिए मैं अलग से बाद में अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप इनका और ज़्यादा जो है तीनों आर्टिकल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन तीनों की अलग अलग अमेज़ॉन लिंक दे रखी है। आप वहाँ पर क्लिक करके अमेज़ॉन की साइट पर जाकर जो इनके डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, वहाँ से बाय कर सकते हैं। और वहाँ पर और भी वैरायटी है, वहाँ वो भी देख सकते हैं, जो आपको पसंद आए ले सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू, नमस्कार, मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों से यूं ही मिलता रहूं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।